हाय फ्रेंड्स, आई एम मोइन मोइन सिद्दीकी। आज मैं आपको स्विच प्लेट के बारे में बताने वाला हूँ। ये सब जो देख रहे हैं ये मॉड्यूलर स्विच प्लेट है। चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो मॉड्यूलर स्विच प्लेट किस तरह यूज़ होती है वो मैं बताता हूँ। ये देख रहे हैं, एक मॉड्यूलर, दो मॉड्यूलर, तीन मॉड्यूलर, चार मॉड्यूलर, छः मॉड्यूलर, आठ मॉड्यूलर है। इसमें जो मॉड्यूलर किस तरह काउंट करते हैं मैं आपको वो भी बताऊंगा कि जिसमें एक मॉड्यूलर है तो एक मॉड्यूलर में एक स्विच लगेगी तो इसे एक मॉड्यूलर कहा जाता है। जैसे कि एक ही स्विच लगेगी तो इसमें दो मॉड्यूलर है तो दो स्विच लगेगी, इसे दो मॉड्यूलर कहा जाता है। तीन मॉड्यूलर में तीन, चार मॉड्यूलर में चार, छः मॉड्यूलर में छः और आठ मॉड्यूलर में आठ स्विच लगेगी, इसे आठ मॉड्यूलर कहा जाता है। अब इसमें आपको मैं एक मॉड्यूलर स्विच का एक डमी प्लेट बना के बताता हूँ कि किस तरह इसमें डमी प्लेट लगता है। देखिए, ये जो एक मॉड्यूलर की स्विच प्लेट है इसमें एक ही स्विच लगेगी। ये देखिए, एक स्विच प्लेट लगी है इसीलिए इसे एक मॉड्यूलर कहा जाता है। अब बाजू में आप देखिए दो मॉड्यूलर है तो दो स्विच लगी है तो इसे दो मॉड्यूलर कहा जाता है। अब अगर आप ये सोचेंगे कि इसमें दो प्लग लगेंगे, नहीं, ये आप गलत सोच रहे हैं। इसमें एक ही प्लग लगेगा इसीलिए इसे दो मॉड्यूलर कहा जाता है, क्योंकि प्लग दो स्विच की जगह रोकेगा इसीलिए इसे दो मॉड्यूलर प्लग कहा जाता है। अब एक मॉड्यूलर प्लग पहले आते थे, अभी बंद कर दिए गए। इसमें तीन स्विच, जिसमें मैं बताता हूँ आपको, जैसे एक प्लग लगेगा और एक स्विच लगेगी तो इसे तीन मॉड्यूलर कहा जाएगा। जैसे आप ये देख रहे हैं, एक प्लग लग गया, दो मॉड्यूलर की जगह रोक ली उसने और एक स्विच लगी हुई है तो ये तीन मॉड्यूलर हो गया टोटल। अब आप चार मॉड्यूलर का भी इसी तरह होगा, आगे बनता जाएगा। अब आगे आप देख सकते हैं, मैं आपको आगे स्विच का बता देता हूँ। ये स्विच है, आप देख रहे हैं, इसमें जो ये है 5 एम्पियर नॉर्मल स्विच है और 5 एम्पियर प्लग है। टू वे स्विच है जो घर में ज़्यादातर यूज़ होते हैं, टू वे स्विच। और ये आप ऊपर देख रहे हैं, ये डमी प्लेट है और ये बेल पॉइंट है। ये 15 एम्पेयर की स्विच है, 15 एम्पेयर की स्विच जो अभी यूज़ होते हैं रिसेंटली सब फ्रिज, और उसके लिए 15 एम्पेयर प्लग है। और आप ये जो दो वेरिएंट देख रहे हैं फ़ैन रेगुलेटर में, तो ये जो होता है ये प्लग टाइप वेरिएंट होता है, प्लग टाइप बोलते हैं इसको फ़ैन। और ये वाला स्विच टाइप, ये स्विच टाइप होता है वेरिएंट, इसके लिए इसको स्विच टाइप कहा जाता है। इसमें आप ये प्लग टाइप वेरिएंट होता है। आप देख सकते हैं स्विचेस के बारे में मैंने आपको बता दिया, इस तरह के सारी स्विचेस आते हैं। अब मैं आपको रेडी की हुई प्लेटें भी दिखाऊंगा कि किस तरह इसको रेडी की हुई प्लेटें आगे दिखती हैं। ये देखिए, आपको रेडी की हुई प्लेटें बता दे रहा हूँ मैं आपको। अब इसमें रेडी की हुई है, ये वन मॉड्यूलर, टू मॉड्यूलर, तीन मॉड्यूलर है। इसमें देखो आप, मैं अलग अलग तरीके से बनाया हुआ है, वेरियंट बनाया हुआ है। इसमें तीन मॉड्यूलर है, चार मॉड्यूलर है, ये चार मॉड्यूलर है, ये छः मॉड्यूलर है, फिर ये आठ मॉड्यूलर है, सॉरी ये गलती से हो गया, आठ मॉड्यूलर है। इसमें ये प्लग टाइप फैन लगा हुआ है, ये प्लग टाइप फैन लगा हुआ है। देखिए आप, टू वे भी लगा हुआ है इसमें और प्लग टाइप फैन भी लगा हुआ है। जो ये स्विच टाइप, तो ये एक ही स्विच रोकेगा, बाकी एक डमी आ जाएगी, तो इसे स्विच टाइप फैन और ये प्लग टाइप फैन। अब आगे देख सकते हैं आप। अगर आपका कोई भी सवाल या सुझाव इसके रिलेटेड हो, आप मुझे मेल भी कर सकते हैं और नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। आपको आगे कुछ भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बता सकते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू।